नमस्कार प्रणाम साथियों, आइए फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल आरुषि फिल्म। साथियों, हर बार की तरह आज भी एक नए तरीके के साथ मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। तो आज मैं कुछ नए तरह से बहुत ही आसान ट्रिक हारमोनियम पर कोई भी गाना ढूंढने का लेकर के आया हूँ। तो आइए देखिए, वीडियो का लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको पूरा समझ में आए। देखिए, कोई भी ज्ञान हो या तो कहीं भी बात होती है ज्ञान की पाने की, तो कुछ खोने से ही कुछ मिलता है। आप अगर ये 2 मिनट टाइम दे करके देखेंगे, शायद आपको हमारी बात अच्छी लग जाए, हमारा ट्रिक अच्छा लग जाए, आपको हेल्प हो जाए। ऐसे तो फिलहाल नहीं भी देखेंगे तो कोई बात नहीं, वो आपकी मर्ज़ी है। तो आइए मैं स्टार्ट करता हूँ। आप देखना है तो साथियों, मेरे कहने का मतलब ये है, अगर आपको सीखना है तो ये वीडियो पूरा देखिए ताकि कुछ ना कुछ तो ज़रूर आपको समझ में आएगा। आइए, तो मैं एक गाने के माध्यम से, अगर आप हारमोनियम सीखना चाहते हैं, सीख रहे हैं, तो आप ज़रूरी नहीं है कि आप हारमोनियम लिए और कोई भी गाना जो पहले से सीख के कोई नहीं आता है, सबको सीखना पड़ता है। 2-4 बात ऐसी है हारमोनियम में जो कि खाली तनिक भर समझ में आना जरूरी है, उसके बाद आपको कोई नहीं रोक सकता खुद से कोई भी गाना बजाने के लिए। तो देखिए, करना क्या है, प्रैक्टिस करने से पहले, कोई भी गाने का प्रैक्टिस करने से पहले आप सरगम का रियाज 1-2 बार कर लीजिए। इस सरगम में मैं जो सरगम सेलेक्ट करके रखा हूँ, यही सर इस इतना ही आपको अपने स्क्रीन पे, मोबाइल स्क्रीन पे, ये मोबाइल हारमोनियम पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इतना ही बटन आपको अपने स्क्रीन पे रखना है और ढूंढना इसके ही अंदर। देखिए, तो पहले काले को सा मानेंगे। देखिए, 2 और 3 5-5 काले का सेट रहता है सभी हारमोनियम में, दुनिया का कोई भी हारमोनियम हो सब में इतना ही सेट रहता है, 5-5 काले का सेट रहेगा, 3 भाग में 4 भाग में ऐसा रहता है। तो आइए देखिए, हम इसे सा मानेंगे, किसे, पहले काले को, सा रे गा मा पा धा इसका रियाज क्यों करना है, क्योंकि गाना ढूंढने का टाइम में इसके अलावा और किसी दूसरे पे उंगलियां ना जाए। बात समझ रहे हैं, कोई भी गाना को हम जो ढूंढेंगे ना, तो इसके अलावा और कोई बटन के ऊपर हमारी उंगलियां को ना जाए, इसके लिए पहले 1-2 बार हमें इसे इस सरगम के ऊपर हाथ फेर लेंगे। तो अब क्या करेंगे, हमें जो गाना ढूंढना है, मान के चलिए आपको जो भी गाना आता हो, जैसा भी हिंदी गाना हो, बांग्ला गाना हो, कोई भी गाना आपको आता हो, तो वही गाने को ढूंढिए। आज देखिए, आज मैं एक और ये हमेशा रहे कि आपको जो गाने में जो आसान लगे पहले वही गाने का रियाज कीजिए। जो टेढ़ा मेढ़ा है उसे थोड़ा बाद में भी आप कर सकते हैं, जब आपके हाथ बैठ जाएगी, दिमाग जब आपका चलने लगेगा कि हाँ हारमोनियम का बटन ये है ऐसे वैसे, तो आप कठिन से कठिन गाने को भी रियाज कर सकते हैं। इसलिए पहले क्या करना है साथियों, कि आपको जो अच्छा लगता है सबसे आसान आसान गाना, जैसे कि देखिए मैं समझाने के लिए, मैं एग्जांपल के लिए मैं बजाता हूँ, जैसे मैं एक गाना सेलेक्ट करता हूँ, परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के परदेसी मेरे यारा, परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के। देखिए, निकालना कैसे वो मैं बताऊंगा, ये तो मुझे आता था बजाने के लिए, मैं बजा दिया। हम ढूंढते कैसे हैं, कोई भी देखिए नए नए गाना जब मार्केट में आ जाता है तो हमारी इच्छा होती है कि बजाएंगे, तो वो गाना भी हमें ढूंढना पड़ता है। तो हम कैसे ढूंढते वो मैं बता रहा हूँ। देखिए, गाने का पहला भाग को हम सेलेक्ट करेंगे, जहाँ से गाने के स्टार्ट हो, गाने की बोल स्टार्ट है। देखिए, इस सरगम से अगर आप रियाज कर रहे हैं तो इसका अस्थाई में कुछ बता देता हूँ।
एक अस्थाई इसका ये हो गया, दूसरा अस्थाई इसका ये है। कोई भी गाना बजाने से पहले जो है ये तीन बटन को प्रेस कीजिए। तीसरा अस्थाई, तो हमें मैंने ये सबसे सरल अस्थाई इसका ये है। ओके क्लियर। अब यहाँ जब हाथ रखेंगे तो हमें वो आभास होगा कि गाने की जो बोल है, जैसे मैं सेलेक्ट किया था परदेसी परदेसी जाना नहीं, तो हम यहाँ से यहीं से स्टार्ट करेंगे ढूंढने के लिए। जैसे कि तो स्वर को अलग करते हैं, परदेसी परदेसी, तीन स्वर का उपयोग है। तो पहले हम तीन स्वर को सिलेक्ट करेंगे, तो हारमोनियम में इधर से स्टार्ट करेंगे तो इधर से इधर यहाँ तक, अगर ये स्वर ऊपर रहे तो यहाँ से हम ये साइड जाएंगे, और स्वर अगर नीचे रहे तो हम इधर से इधर आएंगे। तो हम देखते हैं परदेसी कहाँ हमें मिलेगा। ये स्थाई अस्थाई पकड़ते हैं हम, जैसे पर तीन स्वर का है। देखिए अपने अंदर वो फीलिंग होना चाहिए, इसमें तीन स्वर यूज हो रहा है, जैसे कि पर नहीं हुआ, पर पर पर। देखिए इधर से इधर हम जा रहे हैं तो हमें लग रहा है कि नहीं ये स्वर नहीं है, क्योंकि यहाँ से यहाँ चढ़ते हुए जा रहा है, और स्वर हमें जहाँ तक आवाज़ हो रहा है कि नहीं स्वर स्टार्टिंग से स्लो है, तो इधर से आएंगे मिल गया, लेकिन हमें यह अस्थाई में ढूंढना है। तो यहाँ से मिलेगा धा से परदेसी, स्वर ऊपर है, ऊपर से स्लो नीचे जा रहा है, तो हम इधर से इधर की बटन हम ट्राई कर रहे हैं, जैसे कि परदेसी। मेरे फिंगर को फॉलो कीजिए और स्टेप बाय स्टेप सीख लीजिए इसको, परदेसी परदेसी। उसके बाद दूसरा स्टेप में आता है जाना नहीं, समझ पा रहे आप कि यहाँ से हम स्टार्ट किए, स्वर नीचे था तो इधर से इधर आए, अब परदेसी तक, उसके बाद यहाँ से था जाना नहीं, तो यहाँ से थोड़ा ऊपर है जा ना, देखिए नहीं थोड़ा सा ऊपर था, तो हमने इधर से इधर के वाली बटन ट्राई किए जाना नहीं। अब तीसरा स्टेप में क्या है, मुझे छोड़ के, देखिए मुझे, आप डबल प्रेस भी कर सकते हैं, मुझे छोड़ के यहाँ से लेकर के यहाँ तक स्वर ऊपर है, तो हम इधर से इधर बटन ट्राई किए, जैसे कि मुझे छोड़ के, ये मुझे छोड़ के थोड़ा अलग था। अब इसकी जो थोड़ी सी अगली लाइन की बात करें, इसमें देखिए क्या होता है, यहाँ स्वर और ऊपर है, जितना अभी आपने देखा इससे और ऊपर है, थोड़ा गुनगुना लीजिए कैसा है। परदेसी मेरे यारा हो, मुझे ना भुलाना भुलाना। देखिए आराम से देखिए साथियों, आपके सामने सब मैं लाइव बता रहा हूँ, एकदम चढ़ते, यहाँ से स्वर चढ़ रहा है ऊपर जा रहा है, तो वो जितना ऊपर जाएगा हम उतना इधर जाएंगे। क्या था, यहां से स्वर चढ़ रहा है, देखिए परदेसी मेरे यारा यारा, देखिए साथियों, तो क्लियर।
आप इस हिसाब से कोई भी गाने को, आप जैसे कि ये गाने और ले लेता हूँ, इस प्रकार है, तुम दिल की धड़कन, तो इसमें भी सेम प्रक्रिया है, स्वर स्टार्टिंग से ऊपर है, तुम दिल की, एक आराम से तुम दिल की, अब यहाँ से स्वर नीचे है, तो धड़कन में, देखिए धड़कन में, उसको रहते हो रहते हो। साथियों तो इसी तरह से कोई बटन को आगे पीछे करके स्केल के हिसाब से, देखिए मैं पहले बताया था कि सरगम का रियाज करने के बाद सॉन्ग को ढूंढते टाइम आप इधर उधर की बटन ट्राई ना करें, जिस जो आप सरगम में बजाए थे सारे गामा पादानी सारे, फिर स्टार्ट हो जाता सारे गामा पादानी, ऐसे इतना करके सेट है, तो उतना ही बटन को आप ट्राई करें। अगर वहाँ से नहीं निकल, जैसे थोड़ा सा स्वर ऐसे होता है कि कोमल स्वर का यूज रहता है कोई भी गाने में, तब हम जा करके जो है जब समझ देख लेंगे आगे पीछे नहीं हो रहा है, तो थोड़ा बहुत कोमल स्वर की हम सहायता लेते हैं कोई भी सॉन्ग में। तो साथियों यह ट्रिक कैसा लगा आप अपने कमेंट में ज़रूर बताइए, और फिर आपको कौन सी गाने की चाहिए वो भी बताइए, मैं लगातार आप लोगों की सेवा में उपलब्ध हूँ। कोई भी समस्या हो तो आप हमारे दिए गए संपर्क नंबर पर कॉल कीजिए। अगर इस ऐप का लिंक आपके पास नहीं है तो सिर्फ हमारे व्हाट्सएप पे आप हाय लिख करके भेज दीजिए, आपको यह ऐप का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे लिख दीजिएगा थोड़ा सा कि सर मुझे हारमोनियम ऐप का लिंक चाहिए, और इस ऐप का सेटिंग का वीडियो भी हमारे चैनल पे है, वहाँ से आप जा करके देख सकते हैं। चलिए तो ठीक है, फिर मिलते हैं फिर से नए ट्रिक के साथ, और आप लोगों के फरमाइश के ऊपर एक नए अंदाज में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, प्रणाम। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया कर लीजिए, ताकि कोई भी अपडेट आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।